सो कल जो वीडियो मैंने यूट्यूब पर बनाया था उसके बाद मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए बच्चों के, और उसमें से सबसे एक जो कॉमन क्वेश्चन था दैट इज़ अबाउट डिप्रेशन, कि सर प्रिपरेशन के टाइम पर हमें बहुत डिप्रेशन होता है, हमें उस डिप्रेशन को किस तरीके से काबू में रखना चाहिए, या फिर किस तरीके से अपने इमोशंस को आप काबू में रहेंगे, किस तरह से मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे ताकि आपके प्रिपरेशन के दौरान आपके ये इमोशंस आपके प्रिपरेशन में बाधा ना बने। देखिए ये जो इमोशंस हैं ये इमोशंस किसी भी तरीके से हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है दैट यू हैव सम मेंटल प्रेशर थ्रू योर फैमिली, ऐसा हो सकता है दैट यू हैव सम मेंटल प्रेशर मे बी बिकॉज ऑफ योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड, तो इसमें से किसी भी तरह की चीज़ें ऐसा हो सकता है। देखिए सबसे जो कॉमन चीज़ है डिप्रेशन का ज़्यादातर जो बच्चों में, ये बहुत ही फनी है लेकिन ज़्यादातर जो बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप की वजह से मैं अपनी स्टडी से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर सर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और उस फोकस की वजह से आप अपने प्रिपरेशन को लूज़ कर रहे हैं। देखिए इसमें ध्यान देने की बात यह है, जो डिप्रेशन है वो हर किसी की लाइफ में आता है, जैसे कि मेरी लाइफ में आई मे बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, मेरी लाइफ में पास्ट में कोई डिप्रेशन हो सकता है कि मैं किसी पास्ट में किसी डिप्रेशन में था, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई डिप्रेशन हमेशा किसी ना किसी दौरान किसी ना किसी वजह से हमेशा रहता ही रहता है। लेकिन एक विनर और एक लूज़र के बीच में, देखिए इसमें दो वर्ड मैंने यहाँ पर बोले हैं, एक है विनर और एक है लूज़र, और जब मैं लूज़र की बात कर रहा हूँ आई एम सेइंग द समवन हु इज एवरेज, ठीक है। तो एक विनर और एक लूज़र के बीच में जो एक गैप होता है कि दोनों, एक लूज़र एक विनर क्यों नहीं बन सकता, दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि वो अपने ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करता है, या फिर वो उस प्रेशर के दौरान किस तरीके से परफॉर्म करता है। देखिए जब आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने गेट की प्रिपरेशन किया, फिर किसी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट कैन बी गेट, इट कैन बी इंजीनियरिंग सर्विसेज, इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इट कैन सिविल सर्विसेज और एनीथिंग, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिप्रेशन आना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, बिकॉज आप देखोगे कि आपके आसपास कितने लोग कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, कितनी मेहनत से वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने सालों से वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर भी उनके एग्जामिनेशन में उनको सफलता नहीं मिल रही। देखिए सफलता ना मिलने का रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि वो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत को सही डायरेक्शंस में नहीं कर रहे। अब किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, सक्सेस मिलने के लिए आपको हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक बहुत ही एक कहानी है जो मैंने आपको पहले भी मैंने आपको शायद डिस्कस किया था, मैंने आपको होता क्या है कि एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त जो है, जो चंद्रगुप्त था वो चाणक्य का शिष्य था, जो चाणक्य ये बोलता है कि चंद्रगुप्त को देखो आपको एक तरह की रेस है, आपको इस रेस में पार्टिसिपेट करना है, अगर आप इस पार्टिसिपेट करके इस रेस में अगर आप इसको जीत पाते हैं तो आपको कोई भी किसी भी तरह की लड़ाई में या फिर किसी भी तरह के फाइट में आपको नहीं हरा पाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब चंद्रगुप्त ने उस पार्टिसिपेट किया, उसे काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, देवर हैविंग सो मच फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, लेकिन चंद्रगुप्त ने उस खिताब को यानी उस रेस को जीत लिया। जीतने के बाद जो उसका खिताब था, जिसको लोग कहकर लोग ये कहते थे कि जो खिताब है अगर आपको मिल जाएगा तो फिर आपको कभी कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन जब वो किताब उसको मिला और वो किसी और ने उसे धोखे से उसे ले लिया, तो चंद्रगुप्त जो है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था, वो उसने चाणक्य के बोला कि सर अब मैं हार जाऊँगा और मैं कभी भी जीत नहीं पाऊँगा। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ये बोला, देखो ये जो सक्सेस है, ये जो जीत है, ये जो किताब है, ये आपको एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनाता, जबकि इस तक पहुँचने तक जो आपने मेहनत करी, इस मेहनत ने ही आपको सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है। इस मेहनत जो चीज़ आपने सीखी इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए जहां पर यू कैन बी वर्ल्ड विनर और यू कैन बी समथिंग हुज अचीव्ड समथिंग, उस लेवल तक पहुंचने तक आपने जो मेहनत करी, वो मेहनत ही आपको एक टाइम के बाद सक्सेसफुल बनाएगी, वो मेहनत ही है जिससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए उस जीत तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, एक बाधा उसमें डिप्रेशन भी है, ठीक है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन में जाने के बाद आप उस डिप्रेशन से किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया तो क्या होगा कि आप डिप्रेशन में ही रहेंगे, आप अपने एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, अपने कंपटीशन को अच्छे से पास नहीं कर पाएंगे, अपने कंपटीशन के साथ जजमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना, उसके साथ जो उसको फेयर अमाउंट ऑफ एफर्ट चाहिए आप उस एफर्ट को नहीं कर पाएंगे। तो इसी इमोशंस की वजह से कभी आप बहुत ज़्यादा लेजी
हो जाते हो और कभी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हो। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, आज कोई मोटिवेशन स्पीकर आया, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज आपको मोटिवेशन स्पीकिंग कर रहा हूँ या फिर मैं आपको मोटिवेशन के लिए कुछ, आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ बोल रहा हूँ, लोग उसको सुनेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लोग ये नहीं करते हैं, लोग टॉपर्स के इंटरव्यूज को सुन के ज़्यादा खुश है कि टॉपर्स कैसे बना जाए या फिर टॉपर कैसे प्रिपेयर करता है। लोग टॉपर्स के इंटरव्यूज को देख के ज़्यादा खुश है रेदर देन उस टॉपर ने उस एग्जाम के लिए कितनी एफर्ट किया, कितनी मेहनत की, लोग उसको करना भूल जाते हैं। लोग ये ज़रूर देखते हैं कि टॉपर्स ने टॉप आने के लिए क्या किया, लेकिन उस आने के लिए जो किया सबको पता है, एफर्ट किया है, हार्डवर्क किया, लेकिन उस हार्डवर्क को आप नहीं अपना पाते अपनी लाइफ के अंदर। आपने आज बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, आज आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली और कल को फिर आप डिप्रेस हो गए, फिर आप लेजी हो गए, और वो सब लेजी क्यों हुए? बिकॉज ऑफ योर इमोशंस। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन इन लाइफ, देन यू हैव टू बी रूथलेस विद योरसेल्फ। तो अपने साथ एक तरह से रूथलेस बिहेवियर अपने आप साथ आप रखेंगे कि अगर मुझे आज पढ़ना है, अगर मुझे आज 4 घंटे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, डजेंट मैटर कि कुछ भी हो जाए। आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, डजेंट मैटर। आपके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, डजेंट मैटर। कुछ अनचाहा, कुछ बुरा हो गया, डजेंट मैटर। वो सब चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। अगर वो सब चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी तो कभी भी आप अपने गोल की तरफ फोकस कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो अगर आपके ऊपर डिप्रेशन है, सी डिप्रेशन काफ़ी रीजन्स की वजह से हो जाता है। डिप्रेशन इस वजह से भी हो पाता है कि सर जब मेरे पास टाइम था तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या पढ़ाई करूँ, ठीक है? जब आपके पास आपके ऊपर डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन वो डिप्रेशन इस वजह से हुआ क्योंकि आपने सही टाइम को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। आपको उस टाइम को सही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, तभी आपके पास उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस डिप्रेशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। और साथ साथ ये आपको सीखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर आपके साथ कोई इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको उस इमोशनल प्रॉब्लम को अपने स्टडीज़ के बीच में या अपने कॉम्पिटिशन के बीच में कभी नहीं लेके आना। ध्यान रखना, अगर आप किसी ऑफिस या किसी कंपनी में आप काम भी करते हैं, इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ योर पर्सनल लाइफ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई कंपनी है तो फॉर माय कंपनी इट डजेंट मैटर कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में यू कैन बी वेरी हैप्पी, यू कैन बी वेरी सैड, आपके घर में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब आप ऑफिस में आते हैं तो आपका सारा ध्यान 100% यू हैव टू गिव टू योर वर्क। आप अगर अपने काम को 100% दे पाएंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है? इसी तरीके से आपको अपने हर एक चीज़ में आपको भूल जाना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जब आप काम कर रहे हैं तो आपका 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ उस काम पर होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। इस चीज़ को मार्क माय वर्ड्स, आप किसी भी चीज़ पर, अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको पता है कि मुझे सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ाई करनी है, तो उस दौरान किसी भी तरह की कोई भी मेंटल डिप्रेशन, किसी भी तरह की कोई भी मेंटल एंग्जाइटी, किसी भी तरह की कोई भी इमोशंस और फीलिंग्स आपको डिस्टर्ब ना करे। आपको इस तरीके से मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे तो आप अपनी लेजीनेस के ऊपर भी काबू पा पाएंगे और आप अपनी हर एक उस प्रॉब्लम के ऊपर काबू पा पाएंगे जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। आप एफर्ट तो करते हैं, लेकिन एफर्ट को ठीक डायरेक्शन में करना और उसको कंसिस्टेंटली बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर दिन एफर्ट करना है और हर दिन एफर्ट करने के साथ साथ उसको आगे लेकर आगे बढ़ना भी है, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी सवाल है, अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन के ऊपर ज़रूर कोशिश करूँगा कि हर एक ऐसे इशू पर कोई ना कोई वीडियो बनाऊँ जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैव अ नाइस डे।